नमस्कार, मैं शालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोना न्यूज में रिश्त की खबर आ रही है अनगढ़ से, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर फूल माला पहनाकर स्वर्ण पदक विजेता पारसनाथ महतो का किया गया है भव्य स्वागत। जी हाँ, रांची जिला के अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत हेसल पंचायत के ग्राम मासू के जापटू के जवान पारसनाथ महतो पिता स्वर्गीय बलराम महतो ने 43वां नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 दौड़ प्रतियोगिता 10,000 मीटर और 5,000 मीटर स्वर्ण पदक तथा 1,500 मीटर रजत पदक जीतकर झारखंड वासियों को जीत का सौगात दिया है। पारसनाथ महतो ने इस उपलब्धि से झारखंड के साथ साथ देश का भी नाम रोशन किया है। बताते चले कि रविवार को सुबह चुटिया रेलवे स्टेशन से ही पारसनाथ महतो का स्वागत के लिए माता बैरसो देवी, पत्नी शांति देवी, बेटा आकाश महतो, छोटा बेटा प्रकाश कुमार महतो, बेटी आरती कुमारी सहित क्षेत्र व गांव के लोगों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया और पैतृक गांव मासू लाया गया। गांव आने के क्रम में ही मिलन चौक स्थित शहीद राजकुमार आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांव के लिए प्रस्थान किया, जहाँ चप्पे चप्पे पर पारसनाथ महतो का स्वागत किया। पारस जी, हम गाँव वालों को ये कहना चाहते है की हमको देख के तो ऐसा लग रहा है की जैसे फूलों की ढेर उन्हें क्या बोले बरसात हो रहा है, जैसे लग रहा है कभी ऐसा इस गांव में लगता ही नहीं था कि ऐसा लग रहा है। मतलब आज का माहौल लग रहा है कि पूरा अच्छा एकदम सुनहरा गुलाब के फूल तरह लग रहा है, खिला हुआ है मासू, मासू गांव खिला हुआ है। आपकी कठिन मेहनत रंग लाई, आप अपने पीछे वाले को क्या प्रेरणा देना चाहते हैं कि हमसे भी बढ़ के रहेंगे मेरे छोटे भाई और बुजुर्ग भी आएंगे हमको देख के ही बढ़ेंगे और बहुत अच्छा खुशी की बात है। अगर हम आए तो मेरे पीछे ही भविष्य और आगे बढ़ते रहेंगे हमारे गांव से। आपका पैतृक गांव मासू में सभी को हर्षोल्लासित है। आपकी जो 10,000 और 15,000 गोल्ड और कांस्य पदक जीतने पर ये ऐतिहासिक दिन है। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ी ऐतिहासिक सिर्फ मासू अनगढ़ा के लिए ही नहीं पूरे झारखंड के लिए नाम रोशन किया है। चलिए माता पिता सास ससुर देवर सबको। आप पारसनाथ महतो की अर्धांगिनी अर्थात पत्नी हैं, आपको कैसा लग रहा है आज इन्होंने 43वां नेशनल दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड और कांस्य पदक जीता है, आपको कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो बहुत खुश लग रहा है, ऐसा कि क्या बोले, वहाँ तो गए तो आंसू निकलने लगे जब गाड़ी से उतरा तो क्या करे नहीं करे। चलिए, खुशी की आंसू है और आने वाले दिनों में इस एशियन गेम्स में इनका सिलेक्शन हुआ है, आप इनको क्या कहना चाहेंगे, इनके लिए दुआ कर रहे हैं? इसके लिए और बहुत दुआ है, आगे भी दुआ मिलते रहे ऐसा। चलिए, आपके साथ साथ तमाम गांव के सभी लोगों का दुआ और आशीर्वाद बना रहे और आने वाले दिनों में सिर्फ मासू अनगढ़ा के ही नहीं पूरे झारखंड और देश का नाम रोशन करेंगे पारसनाथ महतो। 43वां नेशनल गेम में पारसनाथ महतो ने गोल्ड मेडल और कांस्य पदक जीता है और इसका आप अगर अतीत को नजर डालते हैं तो आप इसका सहयोगी है, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि पारसनाथ ने कैसे स्ट्रगल करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। मैं जगन्नाथ महतो इस गांव का एक निवासी हूं और मैं पारसनाथ महतो के बारे मतलब बहुत ही नजदीक से जानता हूं। पारसनाथ महतो एक गरीब किसान का बेटा है, उनके छात्र जीवन से ही उन्होंने दौड़ खेल प्रतियोगिता में भाग लेते आया है, उन्होंने कड़ी संघर्ष किया है, मैंने देखा है उनको कि बचपन में ही उनका शादी हो गया था और शादी के पश्चात वो दौड़ को छोड़ा नहीं, खेल कूद को छोड़ा नहीं, पढ़ाई को छोड़ा नहीं, उसके बाद उन्होंने कई दौड़ प्रतियोगिता में भी भाग लेते रहा और पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने काम भी किया, यहाँ तक कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, कुली कबाड़ी का काम करता था। उन्होंने इसी बीच उनके 3 बच्चे भी जन्मे, फिर भी उन्होंने संघर्ष जारी रखा और इतना संघर्ष करते रहा
कि अंततः में उन्होंने जेब टू जो टाटी सिल्वे में है 2015 में उन्होंने वहां पर झारखंड पुलिस का कमान संभाला और उसके बाद भी कई ऐसे क्षेत्रीय प्रतियोगिता हुआ करता था, उसमें उन्होंने भाग लेता था। यहाँ तक कि शहीद राजकुमार महतो के जो हम लोग कार्यक्रम करते हैं शहादत दिवस के उपलक्ष्य में, उनके उनमें भी कई बार इन्होंने विजेता हासिल किया है। तो इनका जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा है और आज इन्होंने जो गांव के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए जो दो स्वर्ण पदक हासिल किया है और एक सिल्वर पदक हासिल किया है, यह हमारे क्षेत्र के लिए बड़ी गौरवान्वित की बात है। हम जितना भी इनका तारीफ करें कम है। हम चाहते हैं कि हमारे जो यह और आगे बढ़े, ऐसा इनको शुभकामना देते हैं।